ना बहुत सारे बिच्छू नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये पानी में, ये देखो ये रास्ता जा रहा है गुफा की तरफ। ऐसा लग रहा है आप माउंटेन्स पे हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्पी के ट्रैवल व्लॉग्स। जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट व्लॉग के व्लॉग में कि आज हम जा रहे हैं बीच के, जिसका रास्ता केव्स में से निकल के होके जाता है, और आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं क्वेरियम बीच। तो गाइज यहाँ पे देखो सुंदर सा मंदिर भी है, इसका नाम है अजोबा देव स्थान। तो मतलब अभी जाने को नहीं मिलेगा वहाँ पे? पानी भरा हुआ ज्यादा, जो मुझे एक्सपेक्टेड था पहले से ही मुझे पता था। मैं आशो को रास्ते में यही बोलती हुई आ रही थी कि हमें बीच नहीं देखने को मिलेगा वहाँ से, मतलब गुफा में। बीच तो ये रहा हमारे सामने है, बट गुफा से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको वीडियोस में देखा है कि गुफा जैसे ही ख़त्म होती है वहीं से पानी स्टार्ट हो जाता है। तो अभी पानी का लेवल, बारिश की वजह से पानी का लेवल बहुत ऊँचा आया हुआ है, तो केव्स को भी पानी ने कवर कर रखा है, तो जाने को नहीं मिलेगा। फिर भी चलते हैं, कुछ तो देख के आते हैं वहाँ पर कि क्या दिक्कत है, क्या इशू है, कहाँ तक पानी है, कहाँ तक क्या है। प्लीज़, अभी इतनी दूर तक आए हैं हम, यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा लगा हमें ट्रैवल करके आने में। कितने किलोमीटर था? 20 किलोमीटर था ना हमारे होटल से, शायद नहीं सॉरी और ज़्यादा था, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर था, और पहाड़ों वाला रास्ता था। तो यानी 30 किलोमीटर को पार करने में हमें कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा लग गया था। तो अभी तक रास्ता दूर आने के बाद हम वापस उन जाने वाले यहाँ से। और हालाँकि बीच हमारे सामने ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच नहीं है, ये हमारे सामने ही है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं पानी में। बट हम तो आया सिर्फ केव्स देखने को। तो गाइस उसको जाने के लिए रास्ता भी काफी दूर है, वो आपको लाल झंडा दिख रहा है ना दूर पीछे वाला, वो पीछे वाला लाल झंडा उसके पास जाके कहीं पे है, हमें वहां तक पूरा चल के जाना है पूरा रास्ता। तो गाइस ये है यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर व्यू है। ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है सारा पानी इधर नहीं होता, उधर होता है। तो आज यहाँ पे पानी होने की वजह से ये गुफा का सारा एरिया जो है वो क्लोज हो गया है, ये दिक्कत आ रही है मुझे ना। यहाँ पे ना बहुत सारे बिच्छू नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये पानी में, ये देखो बहुत सारे बिच्छू हैं यहाँ पे ऐसे। तो मुझे अब थोड़ा सा ना यहाँ पे डर लग रहा है, अनसेफ लग रहा है कि एक भी बिच्छू चिपक गया ना हमारी सारी ट्रिप खराब हो जाएगी। तो हम यहाँ से अब चल रहे हैं गाइस, ये रास्ता जा रहा है गुफा की तरफ। तो बट यहाँ पे पानी ज्यादा आने की वजह से टाइट हो चुके हैं बहुत ही हाई, ये सब लोग मना कर रहे हैं नहीं जाने दे रहे, तो चलते हैं गाइस। गाइस ये अब हम आए हैं अरम्बोल बीच पे, और सारे बीचेस में सेम ही कंडीशन है, रेड फ्लैग सब पे लगे हुए हैं, आगे जाना अलाउड नहीं है, बस यहाँ तक आप खड़े हो सकते हो, और स्विमिंग करना या पानी के अंदर ज़्यादा जाना अलाउड नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, बट वार्निंग साइंस है, मना किया हुआ है उन्होंने। शांत पीसफुल और नीट एंड क्लीन है। तो गाइस अभी बहुत के बाद, और अब हमारा जो नेक्स्ट होटल है, तो बारिश बहुत है जोरी भाई, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट होटल है द फोन हैबिटेट, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं एंट्री करने में। और इसका ये वाला बुकिंग हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका जो स्विमिंग पूल है वो टेरेस पे है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, चलते हैं जल्दी से। तो फोन हैबिटेट में एंट्री ले चुके हैं, और काफ़ी अच्छा रूम है ये भी। ओके दिस इज लिविंग रूम, और ओके दिस इज आवर वॉशरूम, नाइस, एंड आफ्टर दैट इट्स अ बालकनी ऑल्सो, वाओ वाओ। यहाँ से मुझे लगता है पूरा गोवा दिखेगा। तो ये दूसरे होटल का पूल लगा, इसी हमारा नहीं है, हमारा पूल टेरेस पे, अभी दिखाते हैं आपको, चलते हैं गाइस। अभी आज का चेक पॉइंट ये है कि अब 3 दिन से हम लोग मतलब ग्रीनरी के इतना क्लोज रहे, ग्रीनरी में होटल लिया हम लोगों ने, मतलब रिजॉर्ट लिए थे, और आज ही हमने होटल ले लिया आज के दिन के लिए। मतलब अब मज़ा नहीं आ रहा, लाइक अंदर बंद बंद लग रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी में थे बिल्कुल, ओपन करते ही सामने इतने सारे प्लांट्स थे, ग्रीनरी थी, यहाँ ओपन करते ही सामने ग्रीनरी तो है यहाँ भी, बट थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा दूर है, ये बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है। अब हम आ चुके हैं टेरेस वाले स्विमिंग पूल में, यहाँ पे गाइस ये है हमारा पूल जो कि टेरेस पूल है, और इसका व्यू बहुत सुंदर आप देख सकते हैं, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे अगर पूल के अंदर आप बैठ के पिक्स खिंचवाओगे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप माउंटेन्स पे हो। इस वाले होटल को बुक करवाने का हमारा यही एक रीज़न था, क्योंकि मुझे इसकी जो पूल की लोकेशन है वो बहुत पसंद आ रही है। वाओ व्यू देखिए गाइस, क्लाउड्स और बारिश आ जाएगी अभी बीच में, तो बहुत और भी मज़ा आने वाला है। मतलब आपको माउंटेन्स का और कोस्टल एरियाज का दोनों का इस पर मज़ा मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ये पूरा आपको देखा प्लेटू रीजन है ये सारा, टीचर लैंग्वेज बोलने की जरूरत पड़ेगी।
तो गाइज जैसा कि बताया था आपको मैंने कि आज हम रात को प्लान फिर से बनाएंगे दोबारा से दियाज जाने का, जो कि कल हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और फिलहाल निकल चुके हैं। तो गाइज आज हमें फाइनली दियाज में एंट्री मिल गई है। आपको बताया था मैंने कि कल हमें एंट्री नहीं मिली थी, तो आज हमें जम जल्दी आ गए हैं बहुत, तो आज हमें एंट्री मिल गई है। एंड पूल क्लब है, ये पूल है साथ में। तो गाइज ये टेबल ऑप्शन है हमारे पास पूल के पास, तो हम ले रहे हैं ये वाला टेबल। गाइज ये 12 बजे तक सीटिंग है यहाँ पे, हमें जो खाना पीना ऑर्डर करना है वो यहाँ 12 बजे तक है, और उसके बाद 12 बजे के बाद सुबह 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पार्टी यहाँ से हटा के यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अभी हम आ चुके हैं ऊपर टेरेस पे ब्रेकफास्ट करने, और आज का व्यू बहुत सुंदर है। आज का जो मौसम है, वेदर है, वेदर बहुत सुंदर हो रहा है। अभी भी क्लाउड्स हो गए, बहुत सुंदर हो रहा है मौसम। ऐसे सुना है मैंने दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रही है, ठीक है वहाँ भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है बारिश, ठीक है। गाइस बेकरी आइटम्स माई फेवरेट, चलो लगाओ सेटअप हुआ पड़ा ब्रेकफास्ट, अभी हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, टेस्ट का पता नहीं, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है फूड की। दिस इज लाइव कॉर्नर, डोसा एंड एग। चलिए गाइस अभी हो चुका है टाइम इस होटल को भी चेकआउट करने का, कॉर्नर हैबिटेट, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा पंजिम की, और पंजिम सिटी है यहाँ पे, तो पंजिम सिटी में जाएंगे हम लोग, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, और ऑब्वियसली उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम सोच रहे हैं कि आज किसी कैसीनो में भी चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और पंजिम सिटी में, तो ये है हमारी रिवर पंजिम रिवर, और ये हमने ले लिया हमारा पास, और ये है गाइस रिवर, और ये सारी देखो बोट्स खड़ी है यहाँ पे, पिटी करवाएगा वाटर में आगे ले जाकर, और खाना पीना हमारा सब गाइस इसी में ही इंक्लूड है, पूरा पैकेज है ये। और अभी ऑफ सीजन होने की वजह से और काफ़ी चीप पैकेजेस मिल रहे हैं, वैसे ये 2500 to 3000 कॉस्ट करता है, बट अभी आपको 1500 में ही मिल जाएगा पर पर्सन, तो काफ़ी चीप है। तो गाइस हम खाना वाना खा चुके हैं, लंच कर चुके हैं, अब लेट्स सी ये कहाँ तक लेके जाएंगे हमें और कहाँ से हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये एंकर को डाल दिया इन्होंने पानी। गाइस सडन चेंज इन वेदर अगेन, बादल बहुत काले हो गए यहाँ पे, और एकदम से बहुत तेज हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, अच्छा लग रहा है ना, एकदम से हवा चल रही है जब, एकदम से हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। और हमारी बोट यहाँ पे फेरी, हमारी फेरी दिस इज कॉल्ड फेरी, रुक चुकी है, अभी एक्टिविटीज़ के लिए ये खुद आएंगे हमारे पास और एक्टिविटीज़ करवाएंगे। गाइस अभी हमारा नंबर नहीं आया, और यहाँ पे एक्टिविटीज देखो स्टार्ट हो चुकी है, जेट्स की एक्टिविटी है स्टार्ट हो चुकी है, और मेरा नंबर नहीं आया, अभी हम लाइन में खड़े हैं, ये लगी हमारे आगे लाइन, और हमारे पास कूपन मिल चुका है और लाइन लगी हुई है, और जैसे ही हमारी नंबर आ जाएगा तो हम फटाफट से चलेंगे जेट्स में। लाइव नहीं देखा ना मैंने कभी, लाइव पहली बार देखा है। चांदे भाई टाइट पकड़ ले, अब बदल लो। अभी आशु भी आ रही है, आशु जा रहे हैं अभी। बहुत मजेदार राइड थी, मजा आया बहुत। और हम जा रहे हैं अब वापस फिर से अपने लैंड की तरफ, यानी कि पंजिम रिवर की तरफ, और वहीं पर उतरेंगे पंजिम रिवर पे, और उसके बाद देखते हैं आशु को शॉपिंग करनी है, क्योंकि आशु का स्टॉक जो है कपड़ों का खत्म हो गया है ना, शॉपिंग नहीं करी ना दिल्ली में तुमने, थोड़ी करी थी आशु, कहते हैं वही मैं गोवा में जाकर शॉपिंग करूंगा, बट यहाँ पे गाइस टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही है। ये सबको भी बताऊंगा, व्लॉग सारे देख रहे हैं, सबको तुमने नोटिस कर लिया होगा, टी शर्ट मेरी नहीं है आशु की है, क्योंकि मैंने पहन रखा था ये पिंक टॉप, तो
डीजे नाइट भी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस यहाँ से अपने सिटी की तरफ, और आज हमें शॉपिंग करनी है, कपड़े खत्म हो गए और मेरे पास तो इतना स्ट्रॉक है गाइस कि मैं भी 4 दिन और यहाँ पर रुक सकती हूँ कपड़े चेंज करके, और फिर आपकी तरफ चलते हैं, हम कसीनो की तरफ चलेंगे। देखो कि तुझे बोर्ड तैयार हो रही है यहाँ पे किसी का बर्थडे के लिए, तुमने मेरे लिए क्यों नहीं करवाई? वैसे पिछले बर्थडे में बहुत सा सरप्राइज किया था हमने, इस बार नहीं किया कुछ, इस बार ही खर्चा कर दिया ले चुके हैं कसिनो में। यस अब आए हैं मैजेस्टिक प्राइड। तो गाइज ये मिला है हमें सिर्फ 2000 में, और 2000 में हमें 500 के लिए प्ले करने के लिए कॉइन्स भी मिले हैं, तो यानी कि ये पड़ा हमें सिर्फ 1500 का। तो अभी ऑफ सीजन के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है। शिप पे जाने के लिए ये फेरी आती है यहाँ पे, और फेरी से बिठा के हमें वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे शिप खड़ा हुआ है बड़ा सा। वी आर दी फर्स्ट, सीढ़ी हिल रही है, शिप हिल रही है, हमारा मैजेस्टिक प्राइड गाइस आपको दिख रहा होगा पानी में खड़ा हुआ, ये हम वहां तक जाएंगे इस फेरी में बैठ के। गाइस ये है ऊपर का फूड सेक्शन, और हम भी फिलहाल फूड खाने हैं बैठ के। तो मैंने लिया है बर्गर, और पहले कुछ खा लेते हैं कि मॉर्निंग के निकले हुए हैं घर से आज होटल से, और अब हम कुछ खा के और फिर चलते हैं कसिनो में नीचे। बट वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली बड़ा फोन में जो भी एक्टिविटी हम करेंगे तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के साढ़े पाँच, और हम मैंने जैसे बताया था आपको कि हम जा रहे हैं कसिनो, तो हम कसिनो में चले गए थे, खाना वाना भी खा लिया था वहाँ पे, और फूड वगैरह सारा गाइस उसमें इंक्लूडिंग होता है पैकेज में। 2000 का पैकेज था हमारा जिसमें फूड भी इंक्लूड होता है, आप अनलिमिटेड बूफे ले सकते हो उसमें, और स्नैक्स वगैरह डिनर सब कुछ होता है उसमें। और उसके बाद में आपको अगर खेलना है तो उसके लिए कॉइन्स अलग से आपको खुद से परचेज करने पड़ते हैं। तो गाइज यस मुझे बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि हम वहाँ से हार कर नहीं आया, हम वहाँ से जीत कर आया। कितने बजे जीते हम लोग? 20,000 ना। तो गाइज पहले तो हम वैसे 30,000 जीत चुके थे, बहुत अच्छे खासे हमने 30,000 अर्न कर लिए थे, यानी हमारा पूरा खर्चा निकल गया था वहाँ जाने का, और उससे ज़्यादा ही कमा भी लिए थे हमने। बट लास्ट मोमेंट में हमने फिर 20,000 हमने अलग से करके रख लिए, और 10,000 हमने और खेलने में लगा दिए, 7,000 to 8,000 हमने और खेलने में लगा दिया राउंड ऑफ मतलब की। तो मुझे लास्ट में खेली हुई गेम से आई थिंक पता नहीं हमें नींद की वजह से या पता नहीं क्या, तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो लास्ट में हम गेम्स हारना शुरू हो गए। फिर जब हमने गेम्स हारना शुरू कर दी तो हमें लगा नहीं बस अब हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, वरना हमारे सारे का सारे जीते हुए पैसे जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस हमने वहां से फिर बस खेलना वहीं पर टेबल छोड़ दिया। 15,000 क्योंकि 5,000 के हमने कॉइन्स लिए थे, है ना, तो 5 के जो कॉइन्स लिए थे हमने वो भी जीत लिए थे, और 15,000 हमने एक्स्ट्रा ऊपर से और जीत लिया गाइस। तो ठीक है, डील अच्छी रही हमारी, एक टिकट का प्राइस तो आई गया हमारा एक पर्सन का। तो अब बाकी गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने होटल में चेक इन करने फिलहाल, क्योंकि अभी तक सामान जो है हमारी गाड़ी की डिक्की में ही पड़ा हुआ है। तो अभी हमने होटल में चेक 6 बजे हम करेंगे चेक इन, और 11 बजे होटल के चेकआउट का टाइम है गाइस। वाह, मतलब सिर्फ 4 घंटे के लिए चेक इन करने वाले हैं हम होटल में, तो उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी जाते हैं होटल में रेस्ट करके और फिर हम चेकआउट कर देंगे, और उसके बाद कुछ आसपास में देख लेंगे क्योंकि हमारी इवनिंग में 7:30 की ऑब्वियसली फ्लाइट भी है, तो हमें फ्लाइट भी कैच करनी है, तो 5 o'clock पे हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना होगा। तो गाड़ी हमारे पास ही है, हम लोग यही गाड़ी लेके चले जाएंगे एयरपोर्ट पे, एंड वहीं पे ड्रॉप कर देंगे गाड़ी को, जिसको मतलब रिस्पेक्टिव पर्सन वहीं पे आके गाड़ी ले जाएंगे। सो हमारी जर्नी फिलहाल होगी गोवा की खत्म, और ठीक है, और आप इस व्लॉग को भी हम यहीं पे करते हैं एंड, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए कमेंट लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा व्लॉग को, और तब तक के लिए बाय।